Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Studies Articles by Mardi. I hope so आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी. आज मैं जो आर्टिकल लेकर आई हूँ वो बहुत ही फायदेमंद आर्टिकल है. जैसे कि आप इसके टाइटल में देख सकते हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस एट HSC लेवल. आप जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया है, तो उस हिसाब से मैं फिर आप लोगों को मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूं कि है कौन कौन सा. ठीक है, तो आप काइंडली इस मेरी इस वीडियो को पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के यूजफुल आर्टिकल्स आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम. और साथ ही साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप प्लीज़ गौर से मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा. अच्छा जी, पहले मैं आप देख सकते हैं पेज नंबर्स. और हाँ, आप लोगों को अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग उसे अप्रोच कर लीजिएगा. अच्छा जी, उर्दू का पेज नंबर वाइज बताया हुआ है. जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर पार्ट वन में हैं आप, यानी नाइन्थ में हैं, तो पेज वन, पेज 38. इंग्लिश का पेज 2, 3, 39, 40. एक्चुअली ये जो पेज नंबर्स हैं ना, इनके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं. साथ साथ मैं मूव करती जाती हूँ, आप नोट करते जाएं कि ये देखें सारे चैप्टर्स के पेज नंबर्स हैं. आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो तब भी हो सकता है काम, पेजेस नंबर आप नोट कर लें. अच्छा जी, उर्दू का आप देख सकते हैं ये चैप्टर, काहली, हिजरत नबी, आराम सुकून, इम्तहान, कदर अयाज, हमद, नात, बेवस्ता रह शजर से, गज़लें कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं. ये साथ में इन्होंने ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि आप मज़ीद एडिशनल जो है वो देख लें. शामिल निसाब तमाम हंसदा नज़म, गज़ल और कवायद इंशा, इनकी मशकी सवालात से पेपर बनाया जाएगा, यानी जस्ट एक्सरसाइज से. ठीक है. अच्छा जी, इंग्लिश पार्ट वन यानी नाइन्थ क्लास का आप देख सकते हैं चैप्टर सेवियर ऑफ मैनकाइंड की, ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, हजरत अस्मा, डेफोडिल्स, ड्रग एडिक्शन, सुल्तान अहमद, काइवजन. एक्चुअली दिए सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे ना कि कौन कौन सा ओवरव्यू है आपका इंक्लूडेड. और ये देख लें आप ग्रामर्स में क्या इंक्लूड है. इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई इशू आ रहा है, आप काइंडली मुझे मैंशन कर दें, मैं कोशिश करूँगी कि साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि क्या है. ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है. अब ये देखें ग्रामर, कंपोजिशन, ये एक मिनट, हाँ जी, ये देखें वर्बल, जेरेंड्स, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें वो है ना जो आपके, अगर इंग्लिश में से भी आपको कोई चीज़ कोई आर्टिकल नहीं समझ आ रहा है, काइंडली आप मुझे मेंशन कर दें, मैं वहाँ पे आपके लिए एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी, बेशक इंग्लिश की ही सही. एक्टिव पैसिव है, ये ग्रामर का कोई भी पार्ट है, विद एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूँगी. तो आप ये देखें, अब ये है जी मैथ नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स. अच्छा, अब ये जो आपको मैं बता रही हूँ, एक्सरसाइजेस तो हैं ही हैं, इसमें जो क्वेश्चन है ना इनके सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन जिनके एडिशनल पार्ट्स इंक्लूड हैं वो ये हैं. ठीक है, लाइक आप देख रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स आपको शो कराए हैं मैंने, ये जो सेलेक्टेड पार्ट्स हैं ना ये इंक्लूड हैं, और अदरवाइज आपने अदर पार्ट्स नहीं करने. रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम्स, और ये सारे जो है ना ये सारे इंक्लूडेड हैं. फिर इस तरह चैप्टर फोर के भी कुछ एडिशनल, चैप्टर 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 9, 10. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं साथ साथ थोड़ा सा स्क्रोल करे जा रही हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप देख सकें ईजीली जो भी आपका कोई भी इशू है. अच्छा, इसके अलावा जो है वो जनरल मैथमेटिक्स वाले, वो भी ज़रा अटेंशन दे दें इस पर, जो जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा. ये हाँ जी, इस्लामियात का ये है कि आपने जुज़े अव्वल में सूरह अनफाल की सिलेक्टेड आयात करनी है. ठीक है, और हदीस भी सिलेक्टेड हैं. इसके अलावा तालुक के हदीस नंबर 501, मौजूआती मुतालिया में कुरान मजीद का करना है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, ज़कात, ये इंक्लूडेड है नाइन्थ क्लास के इस्लामियात के सिलेबस में. पाक स्टडीज में देख लें आइडियोलॉजी, और ये जो है ना आपको एडिशनल मतलब कि एक ओवरव्यू दिया हुआ है टॉपिक्स का, जो जो आपने इंक्लूड करना है. ठीक है, हाँ जी, इसके साथ ही फिजिक्स में आपने कौन कौन से चैप्टर्स की कौन सी हेडिंग्स करनी है आप वो देख सकते हैं. आई होप सो आपको स्क्रीन विजिबल है, और अगर आपको फिर भी अगर ब्लर थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है तो आप काइंडली वो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है
वहां से आप कर सकते हैं एक्सेस इस डॉक्यूमेंट तक। ये देखिए, मैंने ये डॉक्यूमेंट स्पेशली आप लोगों के लिए ही डाउनलोड किया है। मैंने कहा स्टूडेंट्स को मैं एक्चुअली बता तो दूं। अच्छा, इसके अलावा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो देख लें कि कौन कौन से इंक्लूड हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन चलें जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक कर देती हूँ फेवर, रिड्यूस्ड में। और ये इसी के साथ मैं आपको, ये एक टाइम मेरे पास कम है, मैंने थोड़ा सा बता दूं तो ये आप देख लें। और अब साथ डिटेल आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का लिंक। तो होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। कीप वेटिंग फॉर मोर सीरीज आर्टिकल्स। थैंक यू।